पहले हमने यात्रा का अर्थ मालूम कर लिया। यात्रा किसे कहते हैं, यात्रा क्यों की जाती है और यात्रा का अर्थ क्या है। यत्र देवास्तिष्ठन्ति तत्र जाति मानवाः इति यात्रा। ఎక్కడైతే దేవతలు తిష్టవేసి కూర్చున్నారో అక్కడ చూడడానికి మానవులు ఎప్పుడు వెళ్తారో దాన్ని యాత్ర అన్నారు। కనుక ఋషులే కానీ మానవులే కానీ దేవుడు ఎక్కడైతే తన మహిమను చూపించినాడో తెలియదు तो जहाँ देवता बैठते हैं या देवता अपनी अपनी महिमा के अनुसार आए और उनको देखने के लिए ऋषि मुनि देवता सारे लोग यक्ष गंधर्व जहाँ भी गई जहाँ भी जाते हैं अपने लोग को अपने घर को छोड़कर जाते हैं उसे यात्रा कहा गया। यात्रा जीवन का वो विशेष है जहाँ हम देवताओं को तो बुला नहीं सकते लेकिन हम देवताओं के पास कम से कम जा सकते हैं और उनका दर्शन ले सकना उसे यात्रा कहा गया। और ये मानव ऐसा नहीं है कि संसार में माता पार्वती ने भी जन्म लिया हो या माता लक्ष्मी ने भी जन्म लिया हो या ऋषियों ने भी जन्म लिया हो, इन सभी ने भी यात्राएं की हैं। हम हमारे गुरु जी को मानते हैं तो उन्होंने भी गंगोत्री यमुनोत्री अमरनाथ और कैलाश मानस सरोवर से लेकर रामेश्वरम तक अपने सभी सहायकों सभी सिद्धार्थ साधक परिवार के लोगों को लेकर यात्राएं गुरु जी ने भी की। गुरु जी का भी उद्देश्य उन्होंने यही बतलाया कि हम देवताओं के पास जा रहे हैं इसकी भावना रखें। हम उन देवताओं की उस महिमा को कि उन्होंने वहाँ क्यों जन्म लिया और वहाँ उनका उद्देश्य क्या था, हमें क्या करना चाहिए, हम किस प्रकार उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उनका उनकी उत्पत्ति वहाँ क्यों हुई और हम जाकर उनका दर्शन लें। बड़े लोगों के पास जाना ये पितृता कहलाती है जबकि बड़े लोगों को अपने पास बुलाना यह मूर्खता है या मूर्खता भी नहीं तो हमारी कमजोरी है। जब तुम कमज़ोर हो जाते हो जब तुम उठ नहीं सकते या जब तुम्हारा शरीर में साथ नहीं देता या तुम बीमार होते हो तब तुम्हारी देवता की पुकार करते हैं और देवता तुम्हारे पास आते हैं तो ये माँ बाप का एक है। लेकिन बेटा होने के नाते तुम सशक्त हो तुम्हारे पास सब कुछ है तो तब तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम देवता के पास जाए जहाँ देवता बैठते हैं वहाँ जाकर उनका दर्शन लेना इस यात्रा का है। हम उस यात्राओं को संपूर्ण करना है यात्राओं को करना ये हमारा धर्म है हमारे जीवन में। हम यही नहीं आज ये हमारा ही समाज नहीं आप मुसलमान लो या क्रिश्चियंस लो ये भी पोप को जाते हैं ये भी मक्का मस्जिद की यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके देवता वहाँ बैठे चाहे वो कितना भी कहें कि अल्लाह सभी तरफ है लेकिन फिर भी मक्का मस्जिद की यात्रा वो करते ही। तो ये है कि देवता जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ हमारा जाना वहाँ जाकर उनका दर्शन लेना उनकी कृपा प्राप्त करना जब हमारे में शक्ति है ये मानव का धर्म बनता है। यात्राएं ऋषियों ने भी की यात्राएं मानवों ने भी की यात्राएं देवताओं ने भी की और यात्राएं संत महात्माओं ने भी की और उन्होंने वहाँ की महिमा जानकर अपना कार्य पूर्ण किया। अभी संक्षिप्त में बताता हूँ कि हमें काशी और वाराणसी काशी के बारे में बहुत बार आपने सुना है। काशी कितनी काशी है? आदि काशी है गुप्त काशी है कि उत्तर काशी है काशी है और अपने श्रीशैलम को भी दक्षिण काशी कहा जाता है। अगर आप कहीं बात करें तो वेमुलवाड़ा को भी दक्षिण काशी कहा जाता है। तो पहला अर्थ यह होता है कि काशी किसे कहते हैं काशी क्यों कहना चाहिए काशी किसे कहते हैं और काशी का कहने का अर्थ क्या होता है। तो काशी का अर्थ यह होता है कार्य कारणात् शिवात् तिष्ठन्ति किसी कार्य के लिए शिव जहाँ उत्पन्न हुए शिव जाकर जहाँ कृपा प्राप्त कृपा देने के लिए जहाँ उनका आविर्भाव हुआ जहाँ उन वे आए उसे काशी कहा गया। कार्य कारणात् शिवा तिष्ठन्ति जहाँ शिव आए किसी भी जगह अपने कार्य किसी कार्य के लिए या किसी कारण को लेकर उन्होंने जन्म लिया उसे काशी कहा गया। जैसे श्रीशैलम को भी काशी दक्षिण काशी कहते हैं वेमुलवाड़ा को भी आज के लोग दक्षिण काशी कह रहे हैं आज उत्तर काशी। तो उत्तर काशी का मतलब ये हुआ कि बहुत बार जिसे वाराणसी कहते हैं वाराणसी का अर्थ होता है जो वर देने वाले वास करने वाले देवता वहाँ जहाँ रहते हैं उसे वाराणसी कहा गया। तो वहाँ ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिनको भिक्षा नहीं व्यास महर्षि को भी और वशिष्ठ को भी काशी में अपमान हुआ और उन दोनों ने एक बार श्राप दे दिया कि काशी में आज से मैं आज काशी में प्रवेश नहीं करूँगा। इसलिए आज वशिष्ठ का भी और व्यास महर्षि का भी आश्रम काशी के बाहर फैलाया गया। और ये जब भी हुआ काशी की ग्राम देवता को चौड़ेश्वरी देवी कहा गया है जो हम उसे कौड़ी माता भी कहते हैं और चौड़ेश्वरी भी कहते हैं। और चौड़ेश्वरी देवी के बारे में ये कथा है कि जब श्राप दिया गया और ब्राह्मणों को जब भूखा मरना पड़ा तो ब्राह्मण वहाँ से निकल गए और कहा कि वहाँ के राजा आए वहाँ ने दुष्टों का भी दुशासनों का भी शासन हुआ। तब वहाँ से रूट कर चौड़ेश्वरी माता जब चलती गई तो आज भी आप आंध्र में कहीं देखते हैं या कर्नूल साइड या रायल सेवा की साइड में देखते हैं तो ये चौड़ेश्वरी देवी की बहुत महिमा है। तो वहाँ जब ये लोग जाते हैं तो चौड़ेश्वरी देवी माता ब्राह्मण चले गए कि यहाँ हमें अन्न नहीं मिल रहा है यहाँ दुष्ट राजाओं का राज्य है हम यहाँ से चले जा रहे हैं तो माँ तू यहाँ रहेगी क्या तेरी पूजा कौन करेगा। तब वो भी
रुष्ट होकर चौड़ेश्वरी भी उनके साथ चलने लगी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा, मैं जब चलती हूँ तो तुम पीछे पलट के नहीं देखना, जहाँ तुम पीछे पलट के देखोगे मैं वहाँ रुक जाऊँगी। तो आज दक्षिण में कर्नूल के नंदियाल हो और बहुत जगह चौड़ेश्वरी माता के आपको मंदिर मिल जाते हैं, जहाँ अग्नि में चलना और माता की कृपा की कृपा प्राप्त करना। और जब काशी राजा नरेश फिर आए और उन्होंने इन ब्राह्मणों को फिर बुलवाया तो फिर ये यहाँ से ब्राह्मण वहाँ गए। इस प्रकार काशी का दो तीन बार काशी से ब्राह्मण या देवता बाहर गए शाप के कारण और बाहर से बाहर। उसी प्रकार जब काशी की गंगा अपवित्र हो गई और काशी को एक बार बार शाप मिला तो काशी के शिव उठकर यहाँ आए, ये उसे उत्तर काशी कहा गया। इसी प्रकार तपस्या के लिए जहाँ गए वहाँ गुप्त काशी कहा गया। तो एक समय ऐसा है कि उस समय में काशी में पूजा ही नहीं होती, उस समय शिव आकर इस उत्तर काशी में निवास करते हैं और जब यहाँ की ठंडी चली जाती है, जब यहाँ ठंडी होती है वो यहाँ आते हैं और उसके बाद वे अपनी जगह जाते हैं। तो कार्य कारण कारणा शिवास्तिष्ठंती उसे काशी कहा गया है। और हम ऐसी काशियों के दर्शन में आप जाते समय गुप्त काशी, आज उत्तर काशी में है लेकिन उत्तर काशी के मंदिर को कल देखेंगे, आज यहाँ से खाना खा के फिर गंगोत्री को जाना है। मैं कल आपको बता रहा था हम बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे सरस्वती नदी है, गोदावरी नदी है, सिंधु नदी है, ये सारी नदियाँ हैं, लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री ही कहा गया है। ऐसा क्यों कि गंगोत्री यमुनोत्री को ही ये कहा गया है कि उन्हें हम दूसरे तुंगभद्रा को आदि नदी को उत्तरी नहीं कहा जाता। उत्तरी का अर्थ होता है कि जिसे तपस्या के कारण जिस नदी की उत्पत्ति हुई उसे उत्तरी कहा गया है। ये तपस्या भागीरथी की हो और यमुना नदी के लिए जेमिनी महामुनि ने तपस्या की और यमुना माता यमुना को सूर्य भगवान से प्रार्थना करके उन्हें इस पृथ्वी पर उतारा, इसलिए उसे यमुनोत्री कहा गया है। और गंगा के लिए तो आप सब लोग जानते हैं भागीरथी के बारे में, भागीरथी जो प्रवाहित होती हो रही थी और जन्नू नाम की ऋषि बैठे हुए थे वो नदी आए उनका आश्रम बहा कर ले जा रही थी, तो उन्होंने एक मिनट में पूरे गंगा नदी को अपने दास कर लिया, पी लिया पूरे गंगा नदी को। इतने में भागीरथ ने कहा लोक कल्याणार्थ गंगा को ला रहा था, ये जन्नू महामुनि तुमने क्या किया ये गंगा को, तो उन्होंने कहा कि मेरा आश्रम वो उजाड़ रही थी इसलिए मैंने उसे पी लिया। तब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, तुम ऐसा नहीं करो, लोक कल्याण के कारण उसे छोड़ दो, गंगा तुम्हारा आश्रम नहीं डूबागी, उसका रास्ता बदलेगी। तब उन्होंने अपने जन्नू से अपनी जाह्नवी से फिर उन्होंने जब उस गंगा को बहा दिया उसी उसे गंगा को यहाँ तक गंगा कहते हैं वहाँ से जाह्नवी कहते हैं, उसे गंगा का नाम बदलते चले गए। और यह जो प्रकृति की आप यहाँ लीला देखते हैं, गंगा का अर्थ या यमुना का अर्थ क्या होता है, यम नियमों के साथ रहने वाले दो है। यम का अर्थ होता है कि तुम अगर तुम्हारे शरीर तुम्हारे देश के साथ नियम के साथ रहो तो तुम्हारे का यम का त्रास कभी भी नहीं होता। और यमुनोत्री का अर्थ होता है ये जो भी सूर्यपुत्री है, और इसलिए हम सूर्य नमस्कार आदि कहते हैं उसे यम कहा गया है और उसे नियम कहा गया है। और यम उनके पुत्र है, हम उसे प्राकृतिक रूप में कुछ भी नाम दें लेकिन यम सूर्य के पुत्र होने के कारण उन्होंने कहा जो नियम से रहा उसका यम का त्रास उसे नहीं होता, जो नियम नहीं रहता उसे यम का कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये यम है क्या, इसलिए उसे यम धर्मराज कहा गया। यम धर्मराज ने धर्म होने के कारण तुम्हारे कुछ नियम तुम्हारे धर्म में एक धर्म के नियम बनाए, उसको उससे चलने वाले को यम का नहीं पहुँचाया जाता और उस धर्म के चलने वाले मार्ग को ही नियम कहा गया, उसे ही अब हम लोग थोड़े नियम कहते हैं। यमुना का अर्थ है उन्होंने कहा कि जो स्त्री जाती चाहती है कि लोक कल्याण करना चाहती है और अपने पापों को उसे किसी प्रकार का दोष नहीं किया, तो यमुना ने कहा कि इस दोष का निवारण करने के लिए उसे गर्गत दोष है, उसके पेट के दोष जितने भी हैं इस यमुनोत्री के पास जाते हैं। तो जेमिनी महामुनि, जेमिनी का आज हम जेमिनी का अर्थ लेते हैं कि मिथुन, जेमिनी राशि को जो आप जैसे बताते हैं जेमिनी मुनि का अर्थ होता है मिथुन करना, यानी स्त्री के साथ पुरुष का मिलन होना, और इस मिलन में जो भी कष्ट पाए जाते हैं जो इस यमुनोत्री में स्नान करते हैं उन स्त्रियों को वो कष्ट नहीं पहुँचाता, नहीं होता। यमुनोत्री का जन्म सूर्य भगवान ने उसमें उनको दिया और कहा कि जहाँ भी ये ऐसे लोग होते हैं जो भी उधर से उत्पन्न हुए स्त्री के उधर से और जो भी स्त्री के कष्ट है जो यमुनोत्री का दर्शन लेते हैं वो उन पापों से मुक्त हो जाते हैं, उनको फिर दूसरी बार यहाँ आना नहीं पड़ता। यमुनोत्री का अर्थ होता है जो ऋषियों के माध्यम से जिनका उत्पन्न जिनकी उत्पत्ति है उसे गंगोत्री और यमुनोत्री कहा गया है। ऐसे ही तुंगभद्रा गोदावरी ये सारी ऋषियों का अर्थ बहुत ही अलग अलग दिया गया है। इन नदियों के बारे में जब हम जाएंगे उसके बारे में, अब हम जाते जाते देवप्रयाग कर्णप्रयाग ये है प्रयाग
नारी वहाँ स्नान करती है, वह निरंतर सौभाग्यवती बनते हुए निरंतर अपनी सौंदर्यता बनाए रखती है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं मिलता। इसी प्रकार हम जिन सप्तऋषियों के कुंड जाते हैं, या कल हमने जिसमें स्नान किया, ये सारी चर्मवादियों को निकालने के लिए और अपने को भगवान सूर्य भगवान ने यमधर्मराज को और यमुना को धर्म की प्रवृत्ति तपस्या को देखकर उन्होंने यमधर्मराज को आशीर्वाद दिया कि तू धर्मराजा बनेगा। तो यमुना ने कहा मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मुझे क्यों नहीं मेरी इच्छा पूर्ण होने के लिए नहीं देते। तब एक तो यमधर्मराज ने उनका एक गलत बात कहने के कारण यमुना को श्राप दे दिया कि तू नीर हो जा, तू पानी बन जा। और सूर्य भगवान को जब उन्होंने प्रार्थना की कि मैं यमुना बनकर नीर बनने की शापना भैया ने तो दे दी है, तो मेरा क्या उपयोग, मैं भी तो तुम्हारी पुत्री हूँ, कुछ करें आप कुछ करें। तो तब कहा यमुना तो मैं बहती हूँ, बहते हुए जाएगी जाऊँगी, लेकिन कहाँ तक जाऊँगी, जब तक द्वापर में कृष्ण पैदा नहीं होंगे, कृष्ण का जन्म जब नहीं होगा, और जब वो गोपी गोपिकाओं के साथ मेरे नदी में खेलेंगे नाचेंगे तब मैं पवित्र कहलाऊँगी, तब तक मैं यमुनोत्री में ही बैठी हूँ और यमुनोत्री में उष्ण कुंड बनकर बैठी हूँ। जो यहाँ नहाएगा उसको फिर दूसरा जन्म नहीं होगा, उसको नरक यात्रा नहीं भूलनी पड़ेगी। और यह बात जब यमुना से वर प्राप्त कर सूर्य भगवान के, तो यमुनाथ ने कहा सब लोग जाके यमुनावर्ती में नहा लेंगे और यहाँ नरक में कोई आएगा ही नहीं, तो मैं इतनी कष्टदायक यात्रा बनाऊंगा उसे कि कोई वहाँ जाकर ना ही नहीं सकेगा। जो अपने जीवन में यमुनावर्ती में जाकर उसको सहते हुए यमुना में स्नान करता है, उसे यम का कष्ट नहीं भूलना पड़ता या नर्क यातना भूमि नहीं पड़ती, ऐसा यमुनोत्री का वरदान प्राप्त करने से हमें वहाँ जाकर स्नान करना पड़ता। वहाँ की क्या महत्ता है, वहाँ कितने ऋषियों ने जैमिनी ऋषि के साथ कितने ऋषियों ने वहाँ यह प्रयोग किया है, कितने ऋषि वहाँ साधनारत हैं, कहते हैं यहाँ के लोगों का जो बहती यमुना है उसका पानी न लें, यमुनोत्री का पानी इसलिए लें कि जो अपने घर में जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उन लोगों को उस उष्ण कुंड का पानी अगर अपने घर के लोगों के ऊपर भी छिड़का जाता है तो उन्हें भी नरक यातना भोगनी नहीं पड़ती। इसलिए उष्ण कुंड का पानी और सिर्फ यमुना का पानी ले सकते हैं, तो कहाँ, वृंदावन और मथुरा में जहाँ कृष्ण भगवान ने कृष्ण भगवान ने अपनी लीला की थी, वहाँ का यमुना का पानी ही पवित्रता के साथ लिया जाता है। हम तो इन नदियों को हम वहाँ भी हमारे कलश में इन नदियों का ही आह्वान करते हैं, लेकिन उन नदियों का आह्वान करते समय जहाँ जहाँ देवताओं ने वास करते हुए उनको पवित्रता दी है, इन नदियों की एक विशिष्टता दी है। उत्तर काशी में शिवजी रुष्ट होकर काशी से आकर यहाँ निवास करते हैं और यही 4 महीने हैं जब शिव यहाँ रहते हैं, काशी में नहीं रहते, और इसके बाद में शिव फिर काशी में जाकर रहते हैं। इसमें पौराणिक कथाएं तो बहुत है, एक बार व्यास महर्षि ने उनको श्राप दिया था क्योंकि व्यास महर्षि को भिक्षा नहीं मिली थी, अन्नपूर्णा माता ने उन्हें असमय आकर भिक्षा मांगी थी इसलिए उन्हें नहीं मिली थी। वशिष्ठ ऋषि ने भी वहाँ श्राप पाया था और व्यास ने कहा था कि और वशिष्ठ महर्षि ने कहा था कि मैं काशी में प्रवेश नहीं करूँगा। तो वहाँ ज्ञान का भंडार, सब लोग ज्ञान पौराणिक कथाएँ या ज्ञान को सब लोग भूल गए थे। तब फिर काशी भगवान ने कहा कि मैं जब उन्होंने श्राप दिया था उनके श्राप के निराकरण के लिए मैं उत्तरकाशी में रहूँगा और जो यहाँ आके दर्शन लेगा उसे फिर मैं वो वरदान प्रदान करूँगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने वरदान दिया और उत्तरकाशी में उनके शाप के कारण वे यहाँ आए और यहाँ उन्होंने वरदान प्राप्त किया और फिर काशी गए। तो काशी में निरंतर रहने के लिए उत्तरकाशी में वाराणसी के शिव यहाँ आके रहते हैं। मैंने जैसे कहा कार्यकार कारणात् शिवात्म, जहाँ किसी कारण के लिए शिव ने अपना जन्म लेकर उन जिनका उद्धार किया उसे काशी कहा गया। इसी उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी है और यहाँ जितनी भी काशी है उन काशियों को कहा गया है। हम यमुनोत्री का दर्शन ले लिए हैं, आज गंगोत्री जाएंगे। गंगोत्री में उन सारे साधुओं का जमघट मेला है जहाँ बहुत उच्च स्तर के साधु सन्यासियों की बात कही जाती है, चाहे नित्य समानंद जी हो, चाहे हिडिया खान बाबा कहते हैं, हिडिया खान उनके गांव का नाम था, जो अदृश्य रूप में रहते थे। मैंने कल भी आप सभी को बताया कि एक गवर्नर था जो यहाँ वहाँ से उनके रास्ते से गुजर रहा था और उनके रास्ते में आश्रम पड़ता था और ये अपने धुन में बैठे हुए जप कर रहे थे, उनका घोड़ा वहाँ से जा रहा था तो हिडिया खान बाबा को देखा और उनका कि बाबा यहाँ बैठा हुआ है, इसको हटा दो, यहाँ से रास्ता बनाना है। उसने रास्ता देखते हुए कहा यहीं से रास्ता बनता है। हिडिया खान बाबा ने कहा यहाँ से तो रास्ता नहीं बना, तुझे जाने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने लोगों को सैनिकों को बुलाया और कहा कि हिड़िया का बाबा को लेकर जाके जेल में लेके जाकर डाल दो। उन्होंने कहा तू क्या जेल में डाल सकता है, तू देख तो देख क्या होता है। उन्होंने जैसा ही उनको जेल में डालने के लिए वहाँ गया और देखते कि 5 मिनट में वो जो गवर्नर था वो जेल में था, ये इनके खुड़े पे थे।
तो इतने वो कहते हैं कि आज भी हम उत्तरांचल के उनका शीतला खेत नाम का यहाँ एक है, वहाँ उन्होंने सिद्धाश्रम की स्थापना की है, जहाँ सारे सिद्ध वहाँ आकर उनके पास ये विद्याएं सीखते हैं। कभी समय मिला तो हम शीतला खेत जाएंगे, वहाँ उनका सिद्धाश्रम है, वे भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। और उनके जैसे एक चार लामा से जिन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म को एक किया था, और उनको यहाँ उत्तरांचल में उनके निवास स्थान है, जहाँ भी हिमालय के पर्वतों में हम गुम हो जाते हैं, अकेले आते हैं, ऐसे सन्यासी जो तपस्या के लिए आते हैं, जो किसी प्रकार का कष्ट अनुभव करते हैं और एक बार बाबा का नाम लेकर किसी भी गुरु का नाम लेकर पुकारते हैं तो वे जरूर उनकी रक्षा के लिए आते हैं। ऐसा है उत्तरांचल, इसलिए इसे देवभूमि कहा गया है। यहाँ किसी को भी यात्री को कभी कष्ट नहीं पहुँचा नहीं देना, यह यहाँ के गुरुओं का मुख्य उद्देश्य है। तो मैं यही कह रहा था कि आश्रमों में अगर हम जाकर देखते हैं, जैसे कौशल्य हैं, नीलकंठ महादेव हैं, जहाँ आज भी आप कितना भी मूर्ख आदमी जिसे मंत्र भी ना आता हो, गुरुजी ने कहा है कि कौशल्य के मार्ग से नीलकंठ महादेव के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने आप बोलने लगता है। कितना भी मूर्ख आदमी हो, नारायण मंत्र बोलेगा ही बोलेगा। तो ऐसी महिमान्वित शक्तियाँ अपने पास रखी हुई है और ऐसे स्थान हमें देखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कष्टतर मार्ग है, लेकिन कष्टतर मार्ग हो, हमें कुछ पाना है तो थोड़ा कष्ट करना ही पड़ता है। अगर अच्छा सांभर अगर उत्तर भारत में खाना है तो माता जी को पकाना ही पड़ता है, नहीं तो अच्छा है ना। तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप सब यात्रा करने का कारण बताया मैंने आपको, हम गंगोत्री जाएंगे, कल गंगोत्री में जहाँ गंगा का उद्गम स्थान है वहाँ स्नान करेंगे। वहाँ स्नान करने के बाद वहाँ के साधु संतों को केवल अपने गुरु का नाम स्मरण करने मात्र से वो साधु संत हमें दर्शन प्रदान करेंगे, सत्य है दर्शन प्रदान करेंगे। अगर आपको आपका विश्वास है आपके गुरु पर तो आप जय गुरुदेव की जय, जय माता जी की जय। गुरुजी गुप्त काशी क्यों कहलाएगा? गुप्त काशी में शिवजी तपस्या करते हैं, जहाँ शिवजी ने इन काशियों में जहाँ पाप किया तो माता पार्वती को जितना भी आज तक तंत्र बताया, उमा महेश्वर तंत्र कहा गया है हमें, जहाँ भी उमा और महेश्वर का संवाद है, गुप्त काशी में ही ये सारे तंत्र आए, चाहे उद्दीश तंत्र हो, चाहे काशीश्वर तंत्र हो, जितने भी जहाँ उमा महेश्वर संवाद है गुप्त काशी में आज भी माता पार्वती को शिवजी समझाते हैं कि ये संसार में कौन सा तंत्र है। माता पार्वती ने कहा कभी भी उनके साथ एक ही था कि मैं बार बार मरती हूँ, सती बनकर मरी, पार्वती बनकर जन्म ली, मैंने पेट से उतर ली, तुमने जन्म ही नहीं लिया शिव जी, ये क्या बात है, मैं स्त्री रहकर बार बार जन्म लेना चाहिए और आप यूँ ही बैठे हुए हैं तो आप वो तंत्र मुझे क्यों नहीं सिखाते, मैं बार बार क्यों जन्म लेती हूँ और तुम कभी जन्म नहीं लेते, सारे बार अवतार ही लेते हो, तुम्हें तुम्हारा जन्म नहीं होता और हमें जन्म लेना पड़ता है, तो इसका रहस्य बताओ। तो उन्होंने वो तंत्र बताते हुए कहा कि माँ पार्वती अब तुझे उधर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने जो अब जितने भी माता पार्वती के अवतार बाद में देखे हैं वो सारे अवतार हैं। उस गुप्त काशी में शिव जी ने अपने भैरवी को हो या माता पार्वती को आज भी विद्या प्रदान करते हैं, इसलिए गुप्त काशी का श्रेष्ठतर मंत्र है जिसे कालपुरुष मंत्र कहा गया है। वहाँ उस कालपुरुष मंत्र की एक माला रुद्राक्ष से करते हैं और शिव जी को मांगते हैं और माता पार्वती को कहते हैं। तो बहुत सारे तंत्र ऐसे हैं कि माता पार्वती को शिवजी ने तो कहा, मैंने इससे पहले भी आपको सुनवाया कि माता पार्वती को शिवजी कहते हैं, हे पार्वती मैंने जो ये तंत्र तुझे समझाया है तू स्वयोनिवत, यानी स्त्री अपनी योनि को किस प्रकार छुपा के रखती है इस प्रकार इस ये तंत्र को छुपा के रखे, इसे किसी को भी नहीं बोलना। लेकिन वो तो सारे प्रिंट हो गए, वशिष्ठ जी ने सारे प्रिंट कर दिए, वशिष्ठ जी कहाँ से सुने, जब माता ने कहा है, माता को शिवजी ने कहा था कि इसे छुपा के रखो और वशिष्ठ जी प्रिंट करके बता रहे, तो वशिष्ठ जी के पास पहुँचे कहाँ वो तंत्र। तो ये बात ये हुई कि गुप्त काशी में जाकर जिन्होंने ये मंत्र उच्चारण किया या गुप्त काशी में जो भी तीन रात्र सोकर इस मंत्र को करते हैं तो माता पार्वती स्वयं उनको इस तंत्र का बोध करवाती है, इस प्रकार ये तंत्र बाहर आए। उन्होंने बोध कर दिया हुआ कि वो सिर्फ वो शब्द जो शिवजी ने कहे हैं उसने और उन ऋषियों उन्होंने लिखा, माता पार्वती जो शिवजी की बात को संवाद को मानती थी उन्होंने इस तंत्र को बाहर किया। आज जितने भी शिवजी के तंत्र हैं वैसे ही हम विष्णुप्रयाग के बारे में सुनते हैं, वैसे ही विष्णुप्रयाग के बारे में सुनते समय एक बात हमें भी याद रखना चाहिए, जो नरनारायण पर्वत है, नरनारायण पर्वत पे अर्जुन को जैसा शिवजी नारायण भगवान नारायण ने ये सारा तंत्र सिखाया था, लेकिन लक्ष्मी चंचला होने के कारण क्षीर समुद्र में रहने के कारण लक्ष्मी ने कभी ये प्रश्न विष्णु को नहीं किया कि तुम्हारी विद्याएँ मुझे दो। लक्ष्मी ने कहा मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ, सेवा ही मेरा फल है। इसमें हम कभी भी देखते हैं कि विष्णु के पांव दबाते हुए लक्ष्मी नजर आती है, जबकि पार्वती माता को शिवजी ने अर्ध शरीर ही दे दिया था कि अपना ज्ञान प्राप्त। इन दोनों में क्या भेद है, इसके माने माता लक्ष्मी ने नारायण जी की सेवा करके जो विद्या जो ज्ञान प्राप्त किया वो सेवा मार्ग से किया, और नारायण में नर की भक्ति करने के कारण अर्जुन को
नारायण भगवान नारायण ने दिया और नवनारायण बाद में है, उन्होंने आज भी प्राकृत भाषाओं में चाहे संस्कृत के नाथ संप्रदाय हो, ये नवनारायण के नवनाथ ही है, बाद में संत ज्ञानेश्वर आदि हुए ये भी है, गुजरात के संत महात्मा है वहाँ भी नव संत हुए, आप कलकत्ता में जाओ चैतन्य महाप्रभु आदि ये भी नव संत हुए, इन्होंने प्राकृत भाषाओं में उस तंत्र को जो संस्कृत में थे उसे बदला और उसकी महिमाएं बतलाई। तो इस प्रकार ये तंत्र इस माध्यम से संसार के बाहर आया और यह नारायण तंत्र कहलाया गया है, जहाँ विष्णु भगवान ने या तो नारद को या तो अर्जुन को फिर कभी ऐसी ही इनकी श्रेष्ठ अर्धांगी श्रीदेवी और भूदेवी उनके जो हृदय में बैठी हुई है उनको इस तंत्र को समझाते हुए भगवान ने कहा, उसे भी नारायण में वो तंत्र आज तक बाहर नहीं आया, केवल राधा कृष्ण का संवाद विष्णुयामल तंत्र में दिया गया है, बाकी का तंत्र कहीं भी नहीं दिया गया। और राधा विष्णुयामल तंत्र बहुत गुणमिले मिलता ही है, जितना रुद्रयामल तंत्र आपको अवेलेबल है उतना विष्णुयामल तंत्र अवेलेबल है, वो भी उतना ही श्रेष्ठ है, जिसमें जहाँ नारद को अर्जुन को और नर के रूप में कृष्ण को और राधा राधा के रूप में राधा को यह तंत्र बतलाया गया है, जिसे विष्णुयामल तंत्र कहा गया है। थैंक यू।